आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। मैं गौतम, डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कैमटासिया 9, फिल्मोरा 9 जैसे पेड और बेस्ट सॉफ्टवेयर जैसी एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन से प्रोफेशनल टाइप एडिटिंग कर सकते हैं और आपको जितने भी फिल्मोरा में फ़ीचर्स मिलते हैं उसने फीचर्स आपको इस पावर डायरेक्टर के वर्जन में मिलने वाली है। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, जिससे आपको अपने वीडियोस में कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा एक्सपोर्टिंग के टाइम, तो आप इजीली उसे फ्री बिना वाटरमार्क के यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब हम कैसे अपने पावर डायरेक्टर को अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको पूरे ट्यूटोरियल देने वाले हैं A to Z कैसे पावर डायरेक्टर को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सो ये है हमारा पावर डायरेक्टर का फर्स्ट पेज। तो यहाँ के सेटिंग्स को हम पहले जान लेते हैं। सो आप जब आपने पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए होंगे तो आपके यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले होंगे और आप जब चाहें उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एडिट प्रोजेक्ट, प्रोड्यूस वीडियो, सेव एज, डिलीट प्रोजेक्ट, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और आपको यहाँ पर रेशियो भी दिख जाएगा कि आपने कितने के रेशियो में अपने वीडियो को एडिट किया था। तो आपको यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसे फिर से एडिट कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की ओर। अगर हम चाहें कि हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तब भी चलेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर 16:9 का आपका मन पसंदीदा रेशियो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 16:9 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बताया जाएगा कि कौन कौन से फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। आप यहाँ पर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये जो ऑप्शंस है। उसके बाद ये सेटिंग्स का कुछ ज़रूरी काम होता नहीं है आपके एडिटिंग में। उसके बाद जो भी अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आपको उसे बैक कर सकते हैं यहाँ पर अंडो के बटन से, और यहाँ से आप अपने वीडियो को प्ले एंड पॉज करके देख सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये है टाइमलाइन। यहाँ पर आप जितने भी वीडियोस को डालेंगे आप यहाँ से कुछ भी देख सकते हैं और स्प्लिट कर सकते हैं और उसमें कुछ भी ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को देख लिया है। और इधर देखते हैं जो मेन फंक्शंस है, अब वो आपको इन्हीं 3 फंक्शंस में काम करना होता है। और इसमें इतने सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे कि स्टार्टिंग में तो आपको ये लगेगा भाई इसमें कुछ भी फंक्शंस नहीं है, मगर आप जब इसको ट्राई करेंगे और मैं आपको इसमें पूरा डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनके बारे में कई सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये फर्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा वो है मीडिया का। तो आप यहाँ से अपने वीडियोस को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके जितने फाइल मैनेजर और गैलरी में वीडियोस हैं आप इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने टाइमलाइन पर। तो यहाँ पर हम अपने 3 वीडियोस को अपने टाइमलाइन पर ले आए हैं। सो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने इमेजेस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और इस इमेज को अगर हम चाहते हैं तो अगर हम इसे चाहें तो एक जगह इसे स्थिर रख सकते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। तो इस पर जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे और पेंसिल के बटन पर जाएंगे सो यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे क्रॉप कर दें उसके बाद बैक चले जाएँ तो अब ये नहीं हिलेगा। आप देख सकते हैं ये स्थिर हो चुका है। सो आप इसे जितना लंबा चाहें अपने टाइमलाइन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो हम इसे इतना रहने देते हैं और अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर। 1 मिनट। सो हमने पहले आपको बताया था कि अगर हम बैक भी चले आएँ अपने प्रोजेक्ट से तो आप इसे फिर से एडिट कर सकते हैं। और देखिए हम फिर से वहीं पर पहुँच चुके हैं। सो यहाँ पर हम अपने मीडिया के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर से एक मेन फंक्शन आता है, वो है वॉइस ओवर का। अगर आप अपने वॉइस, अगर आपके वीडियो में पहले से कुछ भी वॉइस नहीं है तो आप वॉइस ओवर के ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर से वॉइस दे सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम जैसे जैसे इसमें बोले जा रहे हैं तो हमारा जो वॉइस है वो इसमें रिकॉर्ड होगा और खुद ब खुद इसमें इस वीडियो के साथ मर्ज हो जाएगा। सो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप की ओर। तो हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो होता है लेयर का, और लेयर एक मेन फंक्शन हमारे वीडियो एडिटिंग के फीचर्स में माना जाता है। तो यहाँ पर से अगर हम चाहें कि लोअर थर्ड लगाना चाहें, अपने नेम का टाइटल बताना चाहें तो आप ये सब यहाँ से बता सकते हैं। सो इसमें बहुत सारे पहले से आपको टाइटल्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी अप्लाई करके अपने वीडियो को और भी सुंदर बना पाएंगे। मगर जो मेन फंक्शन इसमें आपको दिखाया जाएगा वो है वीडियो का। अगर आप फ्री वर्जन किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे तो आपको उसमें वीडियोज़ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मगर आप
आपको इसमें वीडियो का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो हम इसमें अभी क्रोमा की के फंक्शन को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हमारे पास एक क्रोमा की का बैकग्राउंड पड़ा हुआ है, सो यहाँ पर हम अपने इसे पहले सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पर पेंसिल के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्रोमा की के ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने कलर को सेलेक्ट कीजिए और जैसे ही इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक कलर सेलेक्ट करने का पेन दिखाई देगा। तो आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी ग्रीन बैकग्राउंड होगा वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे फिर से प्ले करते हैं और देखिए ये बिल्कुल ही रिमूव हो चुका है। और अगर हम चाहें तो इसे बढ़ा घटा भी सकते हैं, जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। सो ये तो हमने देख लिया कि लेयर में हम अपने वीडियो को कैसे लगा सकते हैं और टाइटल को कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इमेज का ऑप्शन भी दिखेगा। अगर हमारे पास ये गूगल का फ़ोटो पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर से अपने गूगल के फ़ोटो को भी लेके इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें ओपेसिटी को भी रिमूव कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई भी टाइटल को लेते हैं, कोई भी वीडियो को लेते हैं, तो उसमें आपको पेंसिल के बटन में बहुत सारे फंक्शंस दिखेंगे जिनमें होगा ब्लेंडिंग, मास्क, स्क्रीन स्मूदर और कलर। इसमें अगर आप अपने फेस कैम वीडियो को डाल रहे हैं तो आपको उस पर अपने वीडियो पर एक बार क्लिक करना और अपने फेस को गोरा बनाने के लिए स्किन स्मूदर के ऑप्शन को ज़रूरी से यूज़ करना। उससे आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और सुंदर लगने लगेगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड फोर्थ लेयर के ऑप्शन के बारे में, वो है स्टिकर। तो स्टिकर में यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर स्टिकर्स हैं, वो भी एनिमेटेड आते हैं जो कि आपको लगेगा कि लाइव ये चल रहा है वीडियो की तरह से। सो हमने अपने इमेजेस के सेटिंग्स को पूरी तरह से नहीं देखा तो हम फिर से अपने इमेजेस के ऑप्शन पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इमेजेस में भी अगर आप ग्रीन स्क्रीन के इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको पास पीएनजी इमेज नहीं है तो आप यहाँ से अपने इमेजेस को भी पीएनजी बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे ही इसमें बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे तो ईजिली आपका बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड चीज़ दिखता है वो है ड्यूरेशन, कि आप कितना सेकंड के लिए अपने इमेज को रखना चाहते हैं। मगर आपको उसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से अपने इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ड्यूरेशन को घटा बढ़ा सकते हैं। सो इसमें और कुछ मेन फंक्शंस तो है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस इमेज को फिर से यूज़ करेंगे तो आपको डुप्लीकेट के बटन पर क्लिक करना है और इसके 3-4-10 कॉपियाँ जितने चाहें आप इसे बना सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने वीडियोस के कहीं भी। और अगर आप टाइमलाइन को छोटा बड़ा करना चाहें तो अपने दोनों फिंगर्स के हेल्प से इसे जूम इन एंड जूम आउट करके पूरे टाइमलाइन को घटा बढ़ा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किधर क्या गलतियाँ हुई है, और आप उसे ईजिली अच्छे से बारीकी से एडिट कर सकते हैं। और इसमें जो लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई देता है वो है इफेक्ट्स का। तो यहाँ से हम एक इफेक्ट्स आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इफेक्ट्स को अप्लाई कर दिया। सो ये देखिए हमारा वहाँ पर एक इफेक्ट्स अप्लाई हो गया और यहाँ पर एक ब्राइटनेस थोड़ा शो हो रहा है। तो उसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके वीडियोस को काफ़ी सुंदर बना देंगे। तो एक और हम इफेक्ट्स को अप्लाई करके देख लेते हैं, टीवी वॉल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वीडियो को पूरे 4-5-10 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर अब हम चाहें कि इस इफेक्ट्स को हमें डिलीट करना है तो आपको बस उस इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। ये एक स्क्वायर टाइप का आपको वहाँ पर इफेक्ट दिख जाएगा लगा हुआ। तो आप जैसे ही टाइमलाइन पर उसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिमूव इफेक्ट्स का ऑप्शन साइड में दिखाई दे जाएगा। तो आपको उसे क्लिक करना है और आपका इफेक्ट्स ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो हम वीडियोस के और कुछ मेन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसके वॉल्यूम को भी घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम पहले से वीडियो में कम है तो आप इसे 200 गुना तक बढ़ा सकते हैं, मतलब 2x तक इसे इनक्रीज़ कर सकते हैं। और आपको अपनी वीडियो के जो भी स्पीड होता है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं 8x तक, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांड के सॉफ्टवेयर्स भी आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं 8x तक बढ़ाने के लिए। आप अगर काइन मास्टर को देखें तो वो बस 2x तक ही आपके वीडियो के स्पीड को बढ़ाने का अलाउ करता है। और आप इसमें माइनस तक भी ले जा सकते हैं अपने स्पीड को, बहुत ज़्यादा स्लो कर सकते हैं। और देखिए जैसे ही हमने इसे बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है, सो यहाँ देखिए ये कितना जल्दी हमारा वीडियो एंड हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं इस हमारे टाइम को 1 मिनट, तो अगर आपको टाइम जैसे ही आपने इसमें सेट किया तो आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो वैसे ही आपको
उस रेक्टेंगल शेप के टाइमलाइन पर क्लिक करना और उसके बाद आपको रिमूव का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका वीडियो नॉर्मल जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। सो इसमें और भी आपको फंक्शंस दिखेंगे मगर उसमें ये ज़्यादा मेन फंक्शंस जितने भी थे वो हमने आपको बता दिया है। अगर आप इसे क्रॉप करना चाहें तो आप इसे दोनों फिंगर्स से जूम करके पिंच करके क्रॉप कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने इसे क्रॉप कर लिया, बैक आ जाते हैं तो ये देखिए बस इसका फिंगर से दिख रहा है। सो यहाँ पर आप इसको भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, स्किन को स्मूथ कर सकते हैं और पैन एंड जूम का ऑप्शन फिल्मोरा में आपको मिलता है और यहाँ पर भी आपको दिख जाता है। देखिए हम कस्टम मोशन करते हैं, ओके वन मिनट, जैसे हम इसको पैन एंड जूम करेंगे। सो यहाँ पर हमने इसे पहले ट्राई नहीं किया इसी कारण से हमें ये अप्लाई करना नहीं आ रहा। सो आप इसको भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बस आपको इसमें थोड़ी सी छेड़खानी करके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। और जितने भी लगभग सारे फंक्शंस थे हमने आपको बता दिया, बस हमने कभी ये पैन एंड जूम के फंक्शंस को अप्लाई नहीं किया है पावर डायरेक्टर के वर्जन में। और सो अगर आप चाहते हैं पैन एंड जूम के फंक्शंस को भी अप्लाई करना तो आप इसको बस थोड़ा टाइम दीजिए, 10 से 15 मिनट में ही आप इसको खुद से ट्राई करके सीख पाएंगे। और अगर कुछ फंक्शंस हमसे छूट गई होगी, अगर लगता नहीं है मगर हमें कि हमने कोई भी फंक्शंस को आपके लिए छोड़ा है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आगे चल के फेस हुई तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आइए और टाइप कीजिए, हम आपकी इजीली सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। और पैन एंड जूम का फंक्शंस अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता ट्राई करने के बाद हम आपको एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और आप उसे इजीली देख के पैन एंड जूम के फंक्शन को समझ पाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो में ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, ये पावर डायरेक्टर के ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के नीचे एक कमेंट तो ज़रूर करके जाइएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू।